वाला आलिकवा साबिकया हबीबल्लाह। हम दो सलाती बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीने जी एहतिशाम काबले कदर माओ बहनों बेटियों सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम दा अनगिनत लातादाद एहसान है कि जिस रब्बे जुल जलाल ने असां सारियां नूं अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अपने खसूसी फजलो करम दे नाल अपने प्यारे हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत मुस्लिमा विच पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने असां सारियां नूं ये तौफीक अता फरमाई कि अज दे मुकद्दस दिन जुमातुल मुबारक नूं खालसतन उसकी इबादत वास्ते उसके पाक घर विच हाजिर हाँ। अल्लाह करीम मेरी और आप सब हजरात की हाजरी नूं अपनी पाक बारगाही लम्हे ज़ल विच कबूल और मंजूर फरमाए और कल मैशर दे मैदान अल्लाह करीम असां सारियां दी बख्शिश दा समां बनाए। अज दा उनवान इस्लाम और पर्दा ने मुतल्लिक मैं गुफ्तगू करना चाहना वा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत अपनाने वाले हैं, सुन्नत अपनाने वाले हैं। जिस दिन दा ये मोबाइल साढ़े बच्चियां को लाया फाशी और उरियानियत इस कदर फैल गई कि हुण इन्हां बच्चियां संभालना इंतहाई मुश्किल हो गया। वालदैन परेशान, मावां परेशान, भैणां परेशान, भाई परेशान। इस मादी और पुरफितन दौर ने अंदर जिस अपनी औलाद आ संभाल लिया समझो वह निजात पा गया। इस्लाम इतना अजीम मजहब है कि इस मजहब जितनी आजादी अता की है इतनी किसी मजहब अदा नहीं की। लोग कहते हैं कि इस्लाम जबर करना, बच्चियां ते जबर करना, बच्चियां ते जबर करना नहीं। आज कुरान और हदीस की रोशनी असा यह तकना इस्लाम औरत का केड़ा मकाम अता फरमाना वे, औरत का की मकाम है, क्या औरत पर्दे विच सोहनी लगनी है या सरेआम खुल मुखुला फिरने नाल सोहनी लगनी है। एक बाबा जी ने कौल तू मैं अपनी गुफ्तगू ना आगाज करना। एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने ते इस्लाम ते गुफ्तगू की जा रही है, पर्दे ते गुफ्तगू की जा रही है ते गुफ्तगू करने वाला कहना है कि इस्लाम कहना है नकाब पा लो, अपने चेहरे टांप लो, अपने आप लपेट लो, की जरूरत है परदा ते फिर दिल ना परदा होना। ओ बुजुर्ग बोले उन्हें आखिया सफर कर, मैं तेन दसना है परदा दिल ना होना या के चेहरे ना ते जिसम ना परदा होना। उस आखिया बच्चिया दुकान ते भेजो ते टाफिया लैने वास्ते ते बच्चिया आखो कि ओ टाफी लेवन जिस उत्ते कवर ना चढ़िया होवे, यानी बंद ना होवे पैकिंग नहीं अंदर। ते बच्चा अक्सर नहीं इस टाफी ते मक्खियां बैठी हैं, एक गंदी है इनू मैं नहीं लेना, या टाफियां आन के कर रखो तो उन्हां विच कुछ खुलियां रख दियो ते कुछ पैक रख दियो। जिहड़ियां खुलियां होणगियां उन्हां ते मक्खियां बैठियां होणगियां, मच्छर बैठे होणगे ते आने वाला बंदा कदे भी नहीं चाहेगा ये टाफी मेरा बच्चा खावे या बच्चा भी नहीं चाहता। उन्हां फरमाया कि जिहड़ी चीज परदे च होवेगी ओ उसने जन वाली होवेगी, खूबसूरत होवेगी, किसी दोगे ते दिल जमी नाल ते शौक नाल खोलेगा, खोल के उसां खा लवेगा। अगर छोटा बच्चा खुली हुई ट्रॉफी खाने वास्ते तैयार नहीं है, अगर छोटा बच्चा खुली टाफी बिस्मिल्लाह जी आई साहब टाफी खाने वास्ते तैयार नहीं है, उसते मक्खियां बैठियां। ते बाबा जी ने फरमाया कि जेड़ियां औरतां खुलेआम बाजारां विच जानियां चेहरा नंगा, छाती नंगी, टंगा नंगियां, ओ की दावत दे रही हैं। उन्हें आखिया ये जेड़े बाहर फिरन वाले ने इन्हें मुतवजे करा रही हैं। उसे आखिया गल इत्थे मुकी नहीं, आओ उस सोहणे नी बारगाह विच चलने हैं जेड़ा रसूलुल्लाह दीन लैके आए।
कमली वाले नी बारगाह विच जानिया नबी ए करीम कोल पुछनी है मदीने दे ताजदार इत्थे दुनिया वाले कहने ने जनाब औरत ते बड़ी पाबंदी ला दित्ती गई है ए लिबरल सोसाइटियां वालियां कहनियां ने आजाद औरतां कहनियां ने जनाब साडे ते इस्लाम ने पाबंदी ला दित्ती है औरत दा जिस्म अपनी मर्जी साडा जिस्म साडी मर्जी दियां औरतां बाजारां विच निकलियां ने मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे साहबा मैं ओ दीन लेके आया वां जड़ा दीन अल्लाह भी पसंद ले ते मैं मुहम्मद आवी पसंद ओ दीन लेके आया वा ना ना मेरे नबी ने फरमाया औरत दा जितना मकाम असा दिता वे या दीने इस्लाम दिता वे मेरे तू पहले औरतां नाल की सलूक कीता जांदा सी औरतां बाजारां विच वेचियां जांदियां सन लोग मावां दी कदर नहीं करदे सन लोग बेटियां दी कदर नहीं करदे सन लोग भैणां दी कदर नहीं करदे सन अगर किसे दियां बच्ची पैदा होवे उहनूं जिंदा दर गौर कर दिता जांदा सी मेरे नबी ने फरमाया मैं लोगां नूं दसिया ऐ लोगो ए जड़ा रिश्ता वे औरत दा ए औरत कदे मां बन के आउंदी ए कदे बेटी बन के आउंदी ए कदे धी बन के आउंदी ए कदे भैण बन के आउंदी ए मेरे नबी ने फरमाया अगर बेटी बन के आएगी उस बाप वास्ते रहमत बन के आएगी भैन बन के आएगी बाप वास्ते इज्जत बन के आएगी मां बन के आएगी ते औलाद दिया कद और मां दिया कदमा थल्ले औलाद दी जन्नत होए जन्नत मां दियां कदमां थल्ले होवेगी मेरे नबी ने फरमाया कमली वाले ने फरमाया ऐ कलमा पढ़न वालियो ए इतना बड़ा मकाम है फिर मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बल्ला जिन्हों अल्लाह करीम ने बेटियां ता फरमाइया ने चार चार बेटियां दी परवरिश कीती है परवरिश करके पढ़ा लिखा के उन्हां दी शादी कीती है मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे साहबा कल मैशर दे मैदान ओ बल्ला इंज जन्नत च मेरे नाल नाल दाखल होवे इंज मेरे नाल जन्नत च दाखल होवेगा मेरे नबी ने अपनियां उंगलियां खड़ियां करके दसिया साहबी ने आखिया मदीने दे ताजदार अगर किसे दियां तीन बच्चियां ने फरमाया ओ भी मेरे नाल जन्नत जाएगा या रसूल अल्लाह अगर किसे दियां दो बेटियां ने फरमाया उन्हें भी एक कम कीता ओ भी जन्नत च मेरे नाल जाएगा मेरे नबी ने फरमाया उन्हों मैं नाल जन्नत च लेके जावांगा साहबी ने आखिया कमली वाली ओ अगर किसे दी एक बच्ची है मेरे नबी ने फरमाया एक बेटी दी तरबियत इन समझो पूरे खानदान दी तरबियत कीती जा रही एक बच्ची नी तरबियत एक बच्ची जिदे कर एक बच्ची होवे बच्ची दी तरबियत सही करेगा उन्हें एक बच्ची दी तरबियत नहीं कीती है बल्कि पूरे खानदान दी तरबियत कीती है बच्ची दी तरबियत हो गई है बच्ची जवान हो गई है सोमो सलावात दी पवन होवेगी सोमो सलावात दी पवनी नाल जिंदगी गुजारेगी ओदी शादी होवेगी ए जेड़ी तरबियत वाल दैन कोलू लेके आई है मेरे नबी ने फरमाया के मां दी जेड़ी गोदे बच्चे दी पहली दरसगाह होनी है पहली दरसगाह होनी है वेखो ना जनाब बड़े बड़े थानू बाबे मिलनगे हजूर गौस पाक नू वेख लो इशारा करके अगे जान लगा वा मां मदरसे विच लेके गई है मेरे पुत्र कुरान दी तालीम लियो ना हजूर गौस पाक बैठे ने बचपन दा जमाना वे उस्ताद जी ने आखिया पुत्र पढ़ बिस्मिल्ला हजूर गौस पाक ने बिस्मिल्ला पढ़ी है उस्ताद जी ने आखिया पढ़ अलिफ बाता आपने फरमाया उस्ताद जी थोड़ा बहुत मेनू आउंदा वे सुन लो ना ते पढ़ना शुरू कर दिता पहला पारा दूसरा पारा तीसरा पारा पंद्रह पारे सुना दिते उस्ताद ने मत्था चुम के आखिया अब्दुल कादर ए मेरे कोल पढ़न वास्ते आया वे या मेनू पढ़ाण वास्ते आया
पढ़न वास्ते आया वे या पढ़ाने वास्ते आया वे उन्हें क्या उस्ताद जी मेरी मां नूं पारे याद सन मेरी मां मैनू लोरियां देंदी सी कुरान दी तिलावत करदी रहिंदी मां कम काज करदी सी कुरान दी तिलावत करदी रहिंदी सी ए 15 पारे मैं सुन सुन के याद कर लेने अज वेखो ना मुआशरे दे अंदर की कीता जा रहा वे ए मगरम वालिया ने ऐसी बीमारी फैला दीती है हर बल्ले कोल मोबाइल है बच्चियां कोल मोबाइल है लोग कहंदे ने जनाब टिक टाकर बन जाइए फेसबुक ते आ जाइए जनाब पता पर नहीं केड़े केड़े ऐप उन्हें डाउनलोड कर लिते ने बच्चियां ते बच्चे जनाब गुफ्तगू कर रहे ने मां बाप अपने कमरे चले जाने ने ए जनाब लाइव आ जाने ने सिर्फ चंद टकियां दी खातर उम्मत मुसलमान बर्बाद कीता जा रहा वे मैं दावत फिक्र पिया देना वा अपनिया औलादा नु संभाल लो अपनिया बच्चिया नु संभाल लो जेड़ा पल्ला अपनिया बच्चिया नु संभाल लवेगा अपने बच्चिया संभाल लवेगा ओ औलाद ने कवेगी बल्ले दी बख्शिश दा सबब बन जावेगी नेक औलाद बल्ले दी बख्शिश दा सबब बनदी है ते जड़ी बुरी औलाद होंदी है ए दुनिया विच वी मां बाप वास्ते ताना वे मरण तू बाद भी मां बाप वास्ते ताना वे इत्थे गल मुकी नहीं है मैशर दे मैदान विच भी मां बाप वास्ते ताना बनेगी फिर करना की चाहिदा वे अज मैं पर्दे ते गुफ्तगू करनी है नबी करीम दी बारगाह वे सोने ना दरबार औरत आई उसके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं थोड़ी बारगाह विच जुमा पढ़ने वास्ते आनी हाँ पहले औरतां मस्जिद जाके सारिया नमाजा पढ़नी आईया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप दी बारगाह विच जुमा शरीफ पढ़ने वास्ते आनी हाँ ऐ कमली वालियों मैं इतनी वड्डी चादर कीती होंदी है इतनी वड्डी चादर कीती होंदी है जिस वक्त मैं टुरनी आ ओ चादर जमीन ते लगदी है ऐ मदीने दे ताजदार मैनू शक पै जांदा वे किधरे मेरी चादर किसे पलीत जगह ते लग के ना पाक ना हो गई होवे मेरे नबी ने फरमाया सवाल करन वाली है अगर एक हिस्सा जमीन ते लग के किसे शहर ना लग के ना पाक हो गया ते जड़ा अगला हिस्सा पिया लगदा वे ओ पाक जगह ते लग के पिछलिया भी पाक कीती जा रही पिछलिया पाक कीती जा रही आवे मेरे नबी ने फरमाया चादरां कैंची नहीं मारनी है कटना नहीं है जितनी बड़ी होवेगी जितनी बड़ी होवेगी इतना पर्दे ना ज्यादा ख्याल कीता जाएगा अज वेखो ना जनाब उंज ते बंदा पर्दा करना वे रिश्तेदार नजर आ जाए ना बाजारां विच मेरी गल ना बुरा ना महसूस करे रिश्तेदार नजर आ जाए कुड़ियां जा रही हैं ओ मेरा मामा आ रहा ओ मेरा चाचा आ रहा ओ मेरा भरा आ रहा ओ रिश्ते जिन्हां कोल पर्दे ना हुक्म नहीं तुसी कारे च जिहड़े महरम रिश्ते उन्हां कोल पर्दा कर लेना बाजारां विच ओपरा होया ते नकाब खोल लेना नहीं जिन्हां कोलू पर्दे ना हुक्म है उन्हां कोलू पर्दा करो बल्ला जनाब इंज करना वे घर विच पर्देदारी है लेकिन जनाब नाराज ना होवे ओ शादियां होनियां ने शादियां ते जनाब इंज करने आ ओ जिहड़ियां बच्चियां जिन्हां दा चेहरा किसे वेखिया नहीं आउंदा वे ओ बच्चियां जिन्हां नूं कोई जानदा नहीं आउंदा वे कि इहदे घर विच कितनियां बच्चियां ने उत्थे जनाब 5-5 हज़ार दियां लाइटां ला के शादी करां विच 5-5 हज़ार दियां लाइटां ला के मूवी वाला जनाब सामने बिठा दिंदे ओ जनाब हर हर का तो सगनात नोट पिया करना होए
सत्तर साल दी बुढ़ी बैठी है ओदे सर ते चादर है इधर भी साल दी बच्ची है ओ जनाब पे पर्दा खलोती हुई है अपनी इज्जत दी आप हिफाजत करो ना फिर जनाब मूवियां बना के जिस वेले मिक्सिंग वास्ते जानियां ने उत्थे कल्ला बल्ला नहीं आंदा वे तुहाडियां बेटियां तुहाडियां भैणां तुहाडियां मावां ते विल तबसरे कीते जांदे ने ए जनाब इना कपड़े कैसे पाए ने इना बाल कैसे बनाए हुए ने ए रबी दा कलमा पढ़न वाले हो ए मेरे रसूल दी शरीयत नहीं है मेरे नबी ने फरमाया बेटी ओ बेटी आनी है अगर मेरे दरबार भी लंगे सर काफरां दी बेटी आ गई मुहम्मद अपनी कमली ला के ओदा सिर कज दे मोहम्मद उसमें सिर कजना साहबानी मजलिस से मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं थोड़े एक सवाल करना जी या रसूल अल्लाह फरमाओ कमली वाले ने फरमाया औरत आस्ते बेहतरीन चीज केड़ी है बेहतरीन खैर वाला अमल केड़ा है साबा बैठे ने सवालो जवाब हो रहे है कोई की कह रहा है कोई की कह रहा है उससे मजलिस च हजरत मौला अली भी बैठे ने मौला अली मुश्किल खुशाली शेरे खुदा अली ओ मेरे नबी दा वीर अली साहबा दा मशीर अली असा सुनिया दा पीर पीर अली बैठा होया वे हजरत मौला अली दिया कलां विच आवाज आई उन्हां किया गल समझ नहीं पी आउंदी ए खैर वाली चीज औरतां दी केड़ी ए हजरत मौला अली उठे ने कमली वाले दी मजलिस चो आराम नाल उठ के चलियां चलियां कर आ गए घर जिस वेले आए किदे कोल आए ने मेरे नबी दी हयावां वाली बेटी ओ मेरे नबी दे शर्मो हया वाली बेटी शर्मो हया दे शहर दे सालार फातिमा ओ शर्मो हया दे शहर शर्मो हया दे शहर दी साला शर्मो हया दे शहर दी सालार फातिमा नूरे निगाए सैयदे अबरार फातिमा ओ नूरे निगाए सैयदे नूरे निगाए सैयदे आया जदू विजारा खड़े हो गए हजूर ओ इलो कवा ताजीम या फिर प्यार फातिमा ओ इलो कवा ताजीम या फिर प्यार फातिमा शर्म हया दे शर्मो हया दे बिन ते रसूल पारसा तैया बोताईरा जन्नत दिया औरतां दी सालार फातिमा ओ जन्नती दिया औरतां दी ओ प्यारे नबी दे दिल दा चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दा सिंगार फातिमा
ओ मौला अली दे घर परवरश पाई दीदी गोद विच हसनो हुसैन ने सबरो रजा दे मुल्क दी सालार फातिमा ओ सबरो रजा दे मुल्क दी सालार सैयदा तैयबा तायरा सैयदा फातिमा ने आखिया प्यारे अली खैर किधर आए हो तुसी ते रसूलुल्लाह दी मजलिस च बैठे होए सो हजरत मौला अली ने फरमाया ऐ सैयदा रसूलुल्लाह दी बारगाह विच बैठे होए सा नबी करीम ने फरमाया कि औरत वास्ते खैर दा अमल केड़ा वे ऐ सैयदा मैं पूछण वास्ते आया वा सैयदा फातिमा ने आखिया प्यारे अली औरत वास्ते खैर दा अमल वे ना किसे गैर महरम आवे के ना कोई गैर महरम औरत आवे हजरत मौला अली सुन के वापस आ गए रसूलुल्लाह दी बारगाह विच आ गए मेरे नबी ने थोड़ी देर तो बाद फरमाया ओ प्यारे अली तुसा जवाब नहीं दिता वे हजरत मौला अली खड़े हो गए उन्हें आखिया मदीने दे ताजदार तुसा सवाल कीता वे कि औरत वास्ते खैर दा अमल केड़ा वे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत वास्ते खैर दा अमल वे ना किसे गैर महरम वेखे ना उनू गैर महरम कोई वेखे मेरे नबी ने फरमाया अली जवाब दे ठीक तावी पर इना लफ्जा विचो मैनू फातिमा दी खुशबू पई आउंदी है जनाब नात गो शायर मोहम्मद अकरम अलवी साहब मेरे नबी ने फरमाया अली जवाब ठीक दिता भी पर इना लफ्जा विचों मैनू अपनी बेटी सैयदा फातिमा दे विचों खुशबू पई आउंदी है प्यारे अली ने आखिया कमली वाले ओ ए बिल्कुल ठीक है थोड़ी मजलिस च उठ के मैं सैयदा नी बारगाह विच गया सा सैयदा फातिमा ने फरमाया वे कि औरत वास्ते चंगा अमल है वे ना गैर महरम नु वेखे ना गैर महरम उनु अच्छा अपनिया बच्चिया वा अपनिया बेटिया वा अपनिया भेणा वा आई फोन लैके देने वाली हो कदे उन्होंने सीरत आयशा दिया किताबा भी लैके दिता करो कदे सीरत फातिमा दिया किताबा भी लैके दिता करो इस वास्ते लैके दिता करो उन्हें पता लग जाए के औरत का मकाम की है औरत जितनी पर्दे विच रवेगी जितनी पर्दे विच रवेगी इतना इसका मकाम बुलंद हो बाला हो जाए अल्लाह हू अकबर मेरे नबी की बारगाह पूछिया सवाल किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत भी वलिया बन सकनी औरत भी वो मकाम मिल सकना फरमाया मिल सकना मिल सकना किवें मिल सकना फरमाया जेड़ी औरत अपने घर ने अंदर बिल्कुल किसी नुकरे लग के किसी कोठड़ी विच वड़ के जेड़ी अल्लाह ने इबादत करनी है जिसनी इबादत ना या अल्लाह पता हो ना या उस बीवियां पता हो अल्लाह फिर उस पासे मुतवज्जे हो ना अपने घर ने अंदर चार दीवारी ने अंदर चार दीवारी ने अंदर पूछिया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी मामलात अगर किसी औरत बाहर जाना पै जाए काम काज वास्ते किसी काम वास्ते सुन सो
मेरे नबी ने फिर इरशाद की फरमाया, अल्लाह का कुरान सुनो ना, अल्लाह का कुरान कहना, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका वबनातिका वनिसा इल्मुमिनीन। एक खिताब सिर्फ नबी दे घर वालियां नू नहीं है, एक सिर्फ नबी दियां बीवियां नू नहीं है, नबी दियां बेटियां नू नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी दियो बीवियो, ए मेरे नबी दियो बेटियो, ए मोमना दियां औरतों, वनिसाइल मोमेरी, फरमाया युदनी नाले हिला मिन जला पी भी हिला। ए क्यों फरमाया, फरमाया ए नबी दे कर वाली हो, ए नबी दियो बीवी हो, ए नबी दियो बेटी हो, ए मोमना दिया मावन औरतों, अगर थानू जाना पै जावे, घर विचू बाहर निकलना पै जावे, इंज करियो अपने चेहरे टॉप लेवे, चेहरे टांप ले वे हो, चेहरा टांप ले हो, यानी अपनू आप नू पर्दे विच कर ले हो, फिर दसो ना इस्लाम ने सख्ती केड़ी कीती है। खजाना जड़ा वे खजाना, खजानिया छुपाया जाना वे, कूड़े किरकटा बार सुटिया जा, कूड़ा क्रिकेट जड़ा होना वे उस लोग घरा तू बाहर रखने ने उस टेरा ते सुटिया जाना वे, ते जड़ा खजाना होवे केड़ा खजाना, औरत इक बहुत बड़ा खजाना वे, ओ थोड़ी इज्जत ना खजाना वे, थोड़ी असमत ना खजाना वे, ते याद रखो एक औरत अपने बापा अपने पाइया अपने खावला अपने बेटियां जानम लेके जाएगी। पूछिया गया क्यों, फरमाया पाप वेखो ना घर विच मौजूद है, बच्ची करूं बाहर निकल रही है, कपड़े ऐसे पाए हुए ने, कपड़े पा के भी नंगी नजर पी आनी है, ओ पाप अल्लाह नी गिरफ्त जा गया, उस घर ने अंदर पाई मौजूद है, पाई दी भी निगाह पै गई है, भैन करूं पे निकल लिए, ते कपड़े ऐसे ने के जिस्म नंगा हो रिया वे, ओ भी अल्लाह दी गिरफ्त जा गया वे, बेटा वे वेख रिया वे, मां करूं बाहर पे निकल लिए, जिस्म नंगा पियाना वे, ओ भी पकड़िया गया, खावन घर विच मौजूद है, उन्हें वेखिया बीवी बाहर पे निकल लिए, बड़ा बनाओ सिंगार करके, ओ भी अल्लाह दी पकड़ चा गया, ते इस पासे पकड़ने अगर औरत जनाब करो निकलन लगी है, बाप ने टोकिया, बेटा पर्दा करके बाहर निकली, अल्लाह दा पसंद आ गई, मदीने दे ताजदार पसंद, खावन ने टोक दिता, घरों बाहर जा रही है, पर्दे ना ख्याल रखी, अल्लाह रसूल पसंद आ गया, भाई ने रोक दिता, मेरी भैन मैं तेरी इज्जत ना रखवाला वा, करूं बार पे निकलनी है, अपने पर्दे ना ख्याल रखी, भाई नू अल्लाह करीम ने खुशखबरी सुना दी है, बेटे ने जनाब मां वा रोक दिता, अम्मी जरा पुरका ठीक कर लो, एक गल अल्लाह रसूल पसंद आ गई। इधर जनाब फरमाया औरत चार बंदिया नू जहन्नम विच लैके जाएगी, इधर फरमाया जेड़ा जनाब उना दे हया ना ख्याल रखती है, इसे बीबी ने लेना चार रिश्तिया नो जन्नत मिल जावे। औरत करूं पार जा सकनी है, इस्लाम इतनी पाबंदी नहीं लाई कि पैरा ही टंगा पार जा, लेकिन इस्लाम तरीका दसिया के जावे ते किंज जावे, किंज जावे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी, आप दी बीवी हजरत माई रहीमा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दी पोती, जिस वक्त अल्लाह ना इम्तिहान आया, सारियां बीवियां साथ छोड़ के चलिया गईयां, बेटे फोत हो गए, मकान खत्म हो गए, ग्रां वाले आखिया अय्यूब बीमार हो गए, इनू असी ग्रां विच नहीं रहन देना, उठा के ते बाहर जंगल विच एक दरख्त दी ओट थले रखिया, सब छोड़ गए,
एक बीवी हजरत माई रहीमा कदम चुम के आखिया अल्लाह दे नबी जे सुखा में तेरा साथ दिता है तो दुखा में भी साथ निभावांगे। ए दुखिए दी गली ए दुखिया जाने ते सुखिया नू की खबीरा। जेड़ा दुखिया आंदा उसाई पता होना वे शहर जाना लोगां दे घर बर्तन तोने झाड़ू पोचा करना मजदूरी विच रोटी लेके आनी अल्लाह दे नबी दे मुंह च पानी नाल भिगो भिगो के पानी पता लग गया करू पार निकले नहीं जाती। ओ वेखो हजरत मूसा कलीमुल्ला मिस्र ने विचों गल लम्मी मैं मुख्तसर तौर करके जा रहा उन्हें मौका मारिया बंदा मर गया। मिस्र च टुरद्या टुरद्या मदियन आ गए। मदियन आए ना एक खूह उसने करीब अल्लाह दे नबी जनाबे मूसा कलीमुल्ला बह गए बैठे वेख रहे ने लोग आ रहे पानी भर के लैके जा रहे जानवर उन्होंने नाल जानवर पानी पिलाया जा रहा है। अल्लाह दे नबी जनाबे मूसा कलीमुल्ला की निगाह पई वेखिया दो परदेदार बच्चियां परदेदार वो भी खलोतियां हुई ने जनाबे मूसा कलीमुल्ला उन्होंने बच्चियां वेखन लग पे पिछे उन्होंने बकरियां भी ने लोग जानवर पानी पिला रहे। जनाबे मूसा कलीमुल्ला उठे अल्लाह दे नबी सन्ना रहमत दिल विच वस नहीं आई। अल्लाह दे नबी जनाबे मूसा कलीमुल्ला करीब आ गए करीब आके फरमाया बचियो तुसी क्यों खलोतियां होई आओ। उन्हें किया असा अपनिया जानवरां नू पानी पिलाना वे बकरियां पानी पिलाना वे पानी भर के लेके जावांगियां जिस वक्त दुनिया टुर जाएगी फिर असी जावियांगे पावे पानी गंदा या साफ जानवरां पिला के लेके जावांगे। ते आपने फरमाया तुसी खुए दे करीब क्यों नहीं आउंदी हो। उन्हें किया चाचा सानू अपने परदे ना ख्याल सानू अपने परदे ना ख्याल उन्हें पता नहीं है जिदे नाल गल पे करने आ कौन है। हजरत मूसा नू प्यार आ गया फरमाया जनाब मैं थानू पानी भर के देना वा थोड़े जानवर पानी मैं पिलाना वा पानी भर के देना वा। हजरत मूसा कलीमुल्ला करीब है पानी भरिया जानवर पिलाना शुरू किया जानवर पानी पिला के घर वास्ते भरिया। अल्लाह दे नबी ने सवाल किया भाई तुसी आप क्यों बकरियां चरा रही हो। यानी सवाल करने का मकसद आया थोड़ा कोई भरा ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੂਸਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਵਣ ਆਈਆਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ ਕਰ ਬੋਲੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਬ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਵਣ ਆਈਆਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਬ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਲਵਿਦਾ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਹੇਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬੰਗਲਾ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੱਕੋ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ
विच चंगे भी थे उन्हें ना अलवी साहब। अज की बंदा ऐसा मिल गया वे उन्हें जनाब जल्दी पानी भर के दे दिता वे जानवर पानी पिला दिता वे। अल्लाह दे नबी ने आखिया कौन है उन्हें किया बाबा पहली बारी वेखिया वे पर है बड़ा सोना वे पता नहीं कौन है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया चाह फिर उन्हों ले के आओ ओ साडा मेहमान बनेगा ओ मुसाफर है उन्हों आज रात का खाना असी आप खिलावांगे। खाना खिलासा साडा मेहमान बनसी लैके आओ। एक बच्ची जनाबे मूसा कलीमुल्ला को उस बच्ची ने आके आखिया तुसी मुसाफर हो मैं शुएब नबी दी बच्ची हाँ तुसा साडी खिदमत कीती है अज रात साडे कोल ठहरो असी तुहाडी खिदमत करांगे तुहानू खाना खिलाणगे। हजरत मूसा कलीमुल्ला ने आखिया चलो मैं थोड़े नाल। मूसा कलीमुल्ला जिस वेले उठे ने अल्लाह दे नबी ने आखिया बच्ची मैं अगे टुरांगा तू मेरे पिछे टुरना वे। तवज्जो नाल गल सुनियो मैं अगे टुरांगा तू पिछे टुरना वे। बच्ची ने आखिया थानू पता ही नहीं है मैं केड़े पासे जाना वे मेरा घर केड़ा वे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं अगे टुरांगा ए मेरी बच्ची तू छोटे छोटे कंकर उठा ले जिस पासे मुड़ना होवे पत्थर सुट देवी कलीमुल्ला उधर मुड़। ए गल्ला कोई चस्के वास्ते मैं नहीं पिया सुनाना वा इस वास्ते पिया सुनाना वा अल्लाह ने नबियां ने तरबियत कीती है दसिया वे। बच्ची अगे जा रही होवे बंदा पिछे होवे बंदे दियां निगाहां जनाब सजे खबे भी पै सकदियां ने बंदे दे ज़हन विच भी ख्याल आ सकदा वे। अल्लाह करीम ने आखिया ए मेरे नबियो मैं ते औरतां नूं बड़ा वड्डा मकाम अता फरमाया वे। औरतां बड़ा मकाम दिता गया बड़ा मकाम दिता गया ते जेड़ी औरत सोम सलवात नी पाबंद जेड़ी औरत हया वाली अपने पर्दे ना ख्याल रखे उस वास्ते अल्लाह करीम बड़ी वड्डी खुली जन्नत बनाई है। ए नहीं लोग आखदे यार मगरबी तहजीब वाले मोबाइल ये वो अज की तकरीर मैसेज तुसा लैके जाना कि जेडे बंदे भी मोबाइल के किसी नाल मन तो उसका नाम ही नहीं आना ग्रुपा में ऐड हो जिथे लड़कियां थोड़े नाल गल कर बस ये सोच के खत्म करो कि असी रसूलुल्लाह ने गुलाम हाँ कबर विच ते हशर विच रसूलुल्लाह मुँह कड़ा तकासा। चंद साल जिंदगी चंद दिन की जिंदगी जड़ी खत्म हो जानी है जड़ी हमेशा दी जिंदगी है हमेशा नहीं जिंदगी है असा उस ना ख्याल रखना ताकि कबर जाइए ते रसूलुल्लाह नाज करन मेरा गुलाम आ रहा है अशर जाइए ते रसूलुल्लाह आखन ओ वेखो मेरा गुलाम आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया सरकार ने फरमाया कि औरत ने जड़े बाल होने ना बाल औरत जिसले कंघी फेरनी ये बाल टुटने कंघी विच आनन फरमाया ए बीबीओ इन्हां बालां नूं संभाल के रखो ते जदू मौका मिले इन्हां जमीन विच दफन कर जमीन विच दफन कर देवियो। पुछिया हिकमत फरमाया इन्हां बालां तों बहुत कुछ होना फिर लोगों ने हाथ बाल चढ़न ते फिर लोग तबसरे करने। मेरे नबी ने फरमाया मैं औरत का मकाम दे रही हूं जेड़ा रसूल थोड़े टुटे हुए बाला ना इतना हया पिया करवाना ओ थोड़ी इज्जत ना कितना हया करवाना। और फिर फरमाया औरत इतनी बड़ा इतना बड़ा खजाना इतना बड़ा खजाना औरत फौत हो जाए रूह निकल गया सारिया बारा रूह नाल ना रूह चंदा कर रूह नाल सारिया बारा रूह निकल गई ते पिछे ते पिंजरे फिर भी फरमाया तवज्जो है ना तुसा नहीं फरमाया कोई गैर महरम इस मरी हुई बीबी ना भी मुंह ना
ढिली सुभान अल्लाह। कोई गैर महरम मरण तो बाद, अलवी साहब मरने तो बाद फरमाया कोई भी गैर महरम इस बीबी ना मुंह ना थके, इस गल नी भी शरीयत इजाजत नहीं दीती, फिर मनो ना इस्लाम जैसा मजहब पूरी दुनिया मर गई जनाजा होया। हुण अगली गल सुनो, अल्लाह रसूल ने हुक्म किए फरमाया मर गई है, खत्म हो गई है, मादी जिस्म जरा मट्टी जाके मट्टी होवेगा, फरमाया फिर भी इसने परदे ना तुसा ख्याल रखना, परदे ना ख्याल रखना वे जड़े गैर महरम पिछा हो जाओ, गैर महरम पिछा हो जाओ, जड़े करीबी हो महरम अगे आ जाओ। हुण तुसा हुक्म है अगर मां वे बेटी ए भैणे इसा कबर ही तुसा तारना वे, सजे खबे चादरां कर लो ताके किसे गैर महरम दी नजर ना पवे। हुण पता लगा जे इस्लाम औरतां कितनी इज्जत अदा फरमाना वे। मेरे नबी ने फरमाया के अफजल तरीन ओ जनाजा भी औरत ना, अफजल तरीन जनाजा भी औरत ना, जेड़ा जनाजा रात वेले पढ़िया जावे, रात की तारीकी च पढ़िया जावे, असी की करने आ, मर गया जनाब फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया जनाब रख दियो, रख के की करना वे, पल्ला दुनिया तो टुर गया वे, जल्दी जल्दी सा मंजले मकसूद तक, जल्दी जल्दी सा मंजले मकसूद तक पहुंचाओ। जड़ा इस्लाम औरत ना इतना हया करना कि उसने जड़े बाल टुटे हुए उन्होंने भी इतना ख्याल रखना, ते फिर उस औरत ना की मकाम होसी। ते अपने अपने घरानी अपनी अपनी हर बंदा इसलाह आप करे, क्योंकि साढ़े कोल उत्ते मावां भैणा बेटियां बच्चियां भी आके जमा पढ़नियां, ये उन्होंने वास्ते भी मैसेज है, हर औरत अपने परदे ना आप ख्याल रखे, आप ख्याल रखे। लोगों दी गल्लां ते नहीं जाना, ओ भेड़िए ली बड़ी मशहूर मारूफ कहावत है ना, भेड़िया आया ना बकरिया ने वाड़े अगे, बकरिया ने वाड़े अगे आया ते उस आखिया तको ना असी कितने आजाद हाँ, उठना बहना खाना पीना मर्जी नाल खाने आ, मर्जी नाल पीने आ, मर्जी नाल शिकार ते जाने आ, ते तुसा मालकां कैद करके रखिया ते मर्जी नाल वाड़े चो बाहर कढ़ना, मर्जी नाल पानी पिलाना वे, मर्जी नाल चारा देना वे, अगर तुसी इताअत कर लो ना ते वाड़ा तोड़ो ते मालकां नाल नाफरमानी करो, समझियो गल, मालकां नाल नाफरमानी करो, इस वाड़े चो बाहर निकल आओ, वाड़े चो बाहर निकलो ते आजाद हो जाओ। उत्तों आवाज आई जिन्हां मालकां नाल नाफरमानी कीती है ओ फिर ना घर जोगियां रहियां ते ना बाहर जोगियां रहियां ने, ते जिहड़ा भेड़िया ने ए तुसां ए गल भी आखना ताकि तुसी बाहर निकलो ते हर एक भेड़िए ना निशाना बन जाओ। मैं पता नहीं की कह गया वा, अल्लाह करे समझ आ जाए, हैं अल्लाह करे समझ आ जावे, ते अपने मालकां नाल वफादारी करनी है, अपने वाले विच ही रहना वे, अपने वाले विच ही रहना, ते जड़े वाले च रहने ओ कामयाब होने, उन्हां ते मालकां नी फिर नजर होनी हर तरह नी। अल्लाह अमल नी तौफीक अता फरमाए। हुण अकरम अलवी साहब आए, इन्हां नी नात भी सुनने तुसीं।